नमस्कार सभी को, जयशंकर। गट टू डोर गले में आ पहुंचता है और व्यक्ति की हालत सीरियस बताया जा रहा है। आपको बता दूं कि बड़ी ब्राह्मणा इलाके से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर गट टू डोर के चपेट में आ जाने से एक व्यक्ति का गला कट चुका है, जिसकी हालत जो है गंभीर स्थिति बताई जा रही है, जिसे श्री हॉस्पिटल से GMC जम्मू में रेफर कर दिया गया है। आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस के तरफ से गट्टू डोर पर प्रतिबंध तो लगाया गया है, लेकिन गट्टू डोर अभी भी चोरी चोरी पतंगबाजी के शौकीन ऐसे लोग जो इसका इस्तेमाल करते हैं, जहां लोगों की इस समय जान गंभीर स्थिति और बनी हुई है ऐसे गट्टू डोर के वजह से। आपको बता दूं कि बड़ी ब्राह्मणा इलाके से एक बड़ा मामला सामने आया है। गट्टू डोर के चलते एक व्यक्ति का गला जो है कट चुका है और उस व्यक्ति की हालत गंभीर स्थिति बताई जा रही है, जिसे GMC जम्मू में बड़ी ब्राह्मण से रेफर किया गया है। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार, जिसकी उम्र 23 साल है, गट्टू डोर के चलते उस युवक का गला कट चुका है, गले की नस जो है कट चुकी है। मौके पर उन्हें हॉस्पिटल श्री ओम हॉस्पिटल में लाया जाता है, जहां उनकी हालत गंभीर स्थिति देखते हुए GMC जम्मू जो है रेफर कर दिया गया है। नीतीश कुमार, जिनकी उम्र 23 साल है, आपको बता दूं कि नेशनल हाईवे बड़ी ब्राह्मणा इलाके में वो काम कर रहे थे, अचानक गट्टू डोर उनके गले में आ पहुंचता है, जहां उनके गले की नस जो है कट जाती है, जिनके कारण उन्हें तुरंत जो है श्री ओम हॉस्पिटल बिल्कुल सामने ही उन्हें लाया जाता है, लेकिन उनकी हालत गंभीर स्थिति देखते हुए GMC जम्मू उन्हें रेफर कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस विभाग तरफा बड़े बड़े छापेमारी इस समय की जा रही है। हर साल आप देखते हैं गट्टू डोर के चपेट में आ जाने से ना जाने कितने ही लोगों की जाने जाते हुए नजर आती है, और इस समय जम्मू में पहला मामला आज इस साल आया है, जहां पर गट्टू डोर गला कट जाने से एक व्यक्ति की हालत सीरियस बताया जा रहा है, नस गले की कट चुकी है। अब प्रश्न यह है कि बड़ी ब्राह्मणा इलाके में आखिरकार कौन सी जगह में एक गट्टू डोर बिकता है। अगर गट्टू डोर बड़ी ब्राह्मणा इलाके में कौन सा व्यक्ति उसका इस्तेमाल कर रहा था, कहां पर पतंगबाजी बड़ी ब्राह्मणा इलाके में कर रहा था, जहां आज गट्टू डोर के चपेट में आ जाने से एक व्यक्ति की हालत सीरियस बताया जा रहा है। आपको बता दूं कि बड़ी ब्राह्मणा नेशनल हाईवे इलाके में पूरी घटना पेश आई है, जहां पर गट्टू डोर के चपेट में आ जाने से एक व्यक्ति की हालत सीरियस बताया जा रहा है, जिनका नाम नीतीश कुमार है। 23 साल इस व्यक्ति की उम्र है जो इस गट्टू डोर के चपेट में आया है। आपको बता दूं कि काफ़ी ज़्यादा गंभीर स्थिति थी। कुछ तस्वीरें हमारे समक्ष आए हैं जो आपके समक्ष हम साझा नहीं कर सकते। जैसे ही पूरी घटना पेश आई, व्यक्ति जमीन पर गिर जाता है, गले को पकड़ कर काफ़ी ज़्यादा गले से ब्लडिंग जो है शुरू हो गई थी। उसके बाद तुरंत नेशनल हाईवे में जहाँ पर काम कर रहा था लोगों की मदद से जो है उसे तुरंत जो है हॉस्पिटल श्री ओम हॉस्पिटल में लाया जाता है, जहाँ कुछ समय उसका इलाज चलता है, जहाँ श्री ओम हॉस्पिटल के डॉक्टरों द्वारा उसे सीरियस बताया जाता है, उसे GMC रेफर कर दिया जाता है एम्बुलेंस के माध्यम से। और प्रश्न यह है कि अब फिर एक और मामला जम्मू कश्मीर के बड़ी ब्राह्मणा इलाके से ये सामने आया है, जहां पर गट्टू डोर के चपेट में आ जाने से एक व्यक्ति की हालत सीरियस बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 23 वर्ष है। आप अपनी राय जरूर आप दे सकते हैं। एक तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस विभाग ये दावे करती है कि गट्टू डोर का इस्तेमाल करने वालों पर हम कड़े संज्ञान ले रहे हैं, और जम्मू कश्मीर पुलिस बड़े जगह पे छापेमारी भी करती है, कई लोगों की गिरफ्तारी भी करती है, लेकिन अभी भी छुपे छुपे या गुप्त तरीके से गट्टू डोर का इस्तेमाल इस समय लोग करते हैं और दुकानों में बिकते हैं, तभी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, तभी लोग जो है खरीदते हैं। तो खरीदने वाला भी गुनहगार है और बेचने वाला उससे बड़ा गुनहगार है, और जहाँ से ये बनता है फैक्ट्री वो उससे बड़े गुनहगार हैं। तो पुलिस फैक्ट्रियों को बंद करवाए, जहाँ से ये दुकानों से मिलता है वहाँ से बंद करवाए, ताकि अगर दुकानों से ये मिलना बंद हो जाए तो लोग इसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। ये प्रश्न है और प्रश्नों के उत्तर एडमिनिस्ट्रेशन आने वाले समय में देगी या बड़ी ब्राह्मणा पुलिस देगी, क्योंकि ये बड़ी ब्राह्मणा इलाके से पूरा मामला सामने आया। आखिरकार बड़ी ब्राह्मणा इलाके में ऐसे कौन सी जगह है जहाँ पर एक गट्टू डोर बिकता है? अगर नहीं बिकता, ये डोर कैसे आया और एक व्यक्ति की हालत नीतीश कुमार की सीरियस क्यों बताया जा रहा है, क्यों ऐसी अवस्था में वो घायल हुए हैं? प्रश्न
है जो जेके चैनल के माध्यम से हमने बड़ी ब्राह्मणा पुलिस के समक्ष रखा है, और बड़ी ब्राह्मणा पुलिस से भी यही अपील करेंगे, छापेमारी करें, गिरफ्तारी हो उन लोगों को जो लोग इसका कार्य करते हैं, गट्टू डोर का इस्तेमाल करते हैं और लोगों में पहुंचाते हैं, और लोगों की जान उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सस्ती है क्योंकि उन्हें अपने डोर से मतलब है, अपने चंद पैसे से मतलब है, और चंद पैसे के पीछे दुगने दाम पर लोग जो है खरीदने वाले ऐसे लोग हैं, उन्हें भी कहीं सोचना चाहिए कि हम गट्टू डोर का इस्तेमाल करते हैं तो कितना घातक सिद्ध साबित हो सकता है, कितने लोगों की जाने जा सकती है, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें पतंगबाजी करनी है। ऐसी कौन सी पतंगबाजी है आपकी जिसके वजह से किसी की जान ही चले जाए? तो आप भी सुधरे, पुलिस विभाग पर हर बार लोगों को मैसेज देती है कि आप इसका इस्तेमाल ना करें, भारत सरकार ये कहती है इसका इस्तेमाल ना करें क्योंकि बड़ा घातक सिद्ध है, लोगों की जाने जाते हुए हर साल आप देखते हैं। और एक और बड़ा मामला सामने आया है बड़ी ब्राह्मणा इलाके से, जहां गट्टू डोर के चलते एक व्यक्ति की हालत सीरियस बताया जा रहा है, जिसे श्री ओम हॉस्पिटल कुछ समय पहले लाया गया था लेकिन अब उन्हें रेफर जो है जम्मू कर दिया गया है। आप उनके लिए प्रार्थना करें और महादेव उनकी रक्षा करें, लेकिन लोगों से यही अपील है प्लीज़ आप इस गट्टू डोर का इस्तेमाल ना करें, आप किसी की जान की कीमत समझें, यह हादसा आपके साथ भी हो सकता है, आपके परिवार के साथ भी हो सकता है, आप गट्टू डोर ना खरीदें। अगर कोई किसी जगह पर चोरी कोई बेच भी रहा है दुकानदार, तो तुरंत जो है आप बड़ी ब्राह्मणा पुलिस अन्यथा जम्मू कश्मीर का कोई भी पुलिस स्टेशन आप संपर्क करें, पुलिस एक्शन करेगी और लोगों की गिरफ्तारी करेगी जो इसका इस्तेमाल करते हैं, लोगों की जान की कीमत नहीं समझते, मात्र चंद पैसे के लिए गट्टू डोर लाते हैं, दुगने दाम पर बेचते हैं, और इसका नतीजा यह है लोग खरीदते हैं, पतंगबाजी करते हैं और लोगों के जाने जाती है। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ, आप पतंगबाजी जरूर करें लेकिन गट्टू डोर का इस्तेमाल ना करें, सिंपल जो डोर है उसका इस्तेमाल करें क्योंकि ये काफ़ी घातक सिद्ध साबित हो चुका है, गट्टू डोर लोगों की जाने जो है इस समय ले रहा है। वीडियो को शेयर करें, धन्यवाद, जय शंकर।